हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस YouTube चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ जो कि लूप एडमिन पैनल के लिए है। यह एप्लीकेशन यूज़ होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स, शॉपिंग कार्ट्स, न्यूज़ पोर्टल, मैगजीन पोर्टल, मॉक एग्जामिनेशन पोर्टल, बिलिंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन POS सॉफ्टवेयर, सिंपल बिलिंग सॉफ्टवेयर फॉर शॉपकीपर्स एंड शॉप्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रोपराइटर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आपको हमारे सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम इस चैनल के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम अब तक देख चुके हैं इस पैनल पे लॉगिन करना, प्रोडक्ट, पार्टी, एस्टिमेट, बिल, सेक्शन, कैटेगरी, पेमेंट रिसिप्ट, वेब पेजेस, पोस्ट, आर्टिकल, न्यूज़, ऑथर क्रिएट करना, अपडेट करना और उनके रिलेटेड जितने भी जो फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो सब हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रॉपरली, अभी हमने जो प्रीवियसली वीडियो जो पोस्ट आर्टिकल डाला था उसमें हमने ऑथर्स का शॉर्ट में हमने देखा था, अब हम ऑथर्स की हम डिटेल्ड इसमें हम देखेंगे। हम सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते से ही आपको ये 9 पॉइंट्स जहाँ से सारे फंक्शंस एंड फीचर्स खुलते हैं, वहाँ से आप न्यूज़ एंड पब्लिश वाले कॉलम से ऑथर वाला फंक्शन ओपन कर लीजिए। ये मैंने ऑथर का फंक्शन ओपन कर लिया। जैसा कि इस पोर्टल में एक एडवांस फीचर है कि आप कितने भी एन नंबर ऑफ ऑथर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बहुत से पोर्टल्स में देखा है कि एक ही एडमिन होता है और वही एक एक एडमिन सारी चीज़ें डाल रहा होता है, मल्टीपल ऑथर्स का सिस्टम नहीं होता। मल्टीपल ऑथर मतलब जैसे मेरे, मान लीजिए कि एक मैं न्यूज़ मैगज़ीन की बात करूं तो आपके हज़ारों से करस्पॉन्डेंट हो सकते हैं, तो वह हज़ारों से करस्पॉन्डेंट इस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उसके बाद वह अपना अपना इंडिविजुअली वो पोस्ट को सबमिट कर सकेंगे। ऐसा सिस्टम बहुत रेयरली ही किसी पोर्टल में ये सिस्टम होता है। जैसे अब यहाँ पर मेरे पास आप देखें तो नंबर ऑफ ऑथर्स जो हैं 1715 ऑथर्स रजिस्टर्ड हैं, उनके उनके डिटेल्स हैं, अलग अलग सिटीज़ के हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के हैं। इस तरीके से बहुत सारे मैं अपने करस्पॉन्डेंट अपडेट कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, जो मेरे रजिस्टर्ड जितने भी ऑथर्स हैं उनकी लिस्ट दिख रही है। उसके बाद मैं यहाँ पर किसी ऑथर के एलियास से, ऑथर के नेम से, ऑथर की सिटी से या कंट्री वाइज उसको मैं फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ। सिट कंट्री का फ़िल्टर है, सिटी का फ़िल्टर है और इनेबल डिसेबल का फ़िल्टर है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक बार में कितने खुले हैं किसी दूसरे पेज पे जाने का, और काउंटिंग। इसके बाद आप जब टेबल में देखेंगे तो टेबल में हमें ईमेल के साथ मोबाइल नंबर का कॉलम दिख रहा है जिसमें हम इंडिविजुअली किसी को SMS भेजना है या व्हाट्सअप करना है, तो ये इंडिविजुअली SMS या व्हाट्सअप का ऑप्शन दिख रहा है। ये वाला जो कॉलम है ये DA बता रहा है कि सामने वाला व्हाट्सएप पे है या नहीं है, व्हाट्सएप पे है या नहीं है, व्हाट्सएप पे है या नहीं है, ये इस चीज़ को आपको डिस्प्ले करा रहा है। दूसरा, उसका कोई एडिशनल नंबर है, ये सब उसमें कर सकते हैं हम। बल्क में एक सिंगल क्लिक पे भी एक बार में सबको व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट, एक मैसेज लिख लूँगा, यहाँ पर XYZ एक मैसेज लिख लूँगा। इसमें तीन चैनल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं, वो तीनों चैनल, इस पर मैं कोई भी एक चैनल का सब SMS का रिचार्ज कर लूँगा, उसके बाद इधर लेके और इसको ट्रिगर कर दूँगा तो मेरे इधर जितने भी जो टेबल में दिख रहा होंगे, मैं यहाँ से 1000 भी सिलेक्ट कर लूँगा तो एक बार में 1000 को एक बार में सारे को सबको SMS ट्रिगर हो जाएगा। जैसे मैंने 1000 ओपन कर लिया, मैं एक बार में इसको सबको SMS ट्रिगर कर सकता हूँ, एक बार में सबको SMS या व्हाट्सएप जा सकता है। बल्क व्हाट्सएप या बल्क SMS का इसमें फीचर है। जैसे मैं इसको वापस 10 कर देता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं उतना ज़्यादा फिर टाइम लेता है, उतना ज़्यादा हमारा सर्वर कंज्यूम होता है, उतनी ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम होती है। अब जैसे मैं इसमें फ़ाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को फ़ाइंड आउट करता हूँ। देखिए इसमें दो ऑथर दिख रहे हैं, एक के ये मैं दिख रहा हूँ और एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो अब जैसे मैं सेकंड नंबर को मैं एडिट करना चाहता हूँ, अब नया डालने के लिए प्लस वाला बटन दबाना है
या मैं एडिट कर सकता हूँ, दोनों केस में सेम फंक्शन है। मैं एडिट करके आपको बता देता हूँ, आप न्यू भी करके सेम फंक्शन करना है। उस ऑथर का प्रॉपर नाम डालना है, जो भी ऑथर है उसका प्रॉपर नाम डालना है। तो मैं यहाँ ऑथर का अपना ही दोबारा डाल लेता हूँ, मैं दो ऑथर हो जाऊँगा। ये सेम फंक्शन ऊपर वाले का जो नाम है वो कॉपी करके उसको एलियास में कन्वर्ट करने का है, एज़ वेल एज़ यहाँ पर इन स्क्रिप्ट रेमिंगटन कीबोर्ड्स में टाइप्ड कंटेंट, या कृतिदेव यूटीएफ, कृतिदेव है, देवलेसेस है, योगेश है, फोर्सी गांधी है, उसके टाइप फॉन्ट को कन्वर्ट का ऑप्शन हमने पोस्ट वाले ऑप्शन में देखा था। सेम ऑप्शन इसके अंदर भी है, आप उसको यूटीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सेम ऑप्शन इसके अंदर भी है, एज़ वेल एज़ नेम के साथ। नेम ले लिया तो अब यहाँ पर नेम का भी कन्वर्टर है, अगर यूटीएफ में होगा तो ये यहाँ पर हिंदी यूटीएफ में होगा तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट, अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन अगर डालना है, ऑर्गेनाइजेशन डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अगर ये मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे है तो टिक कर दीजिए, फ़ोन नंबर उसका है तो फ़ोन नंबर डाल दीजिए। उसकी प्रोफाइल यहाँ पर आप पूरा डाल सकते हैं, जितनी बड़ी प्रोफाइल डाल सकते हैं डाल दीजिए, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। वेब उसका कोई एड्रेस है, कोई वेब यूआरएल है, कोई उसकी पर्सनल वेबसाइट है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, सिटी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, उसकी प्रोफाइल पिक्चर एक दे दीजिए। जैसे मैं एक प्रोफाइल पिक्चर देने की कोशिश करता हूँ, मैं एक अपनी ही फ़ोटो दे देता हूँ। एक फ़ोटो दे देता हूँ जिससे प्रोफाइल पिक्चर क्लियर हो जाए। मैं अपनी फ़ोटो दे देता हूँ। कोई भी पिक्चर चढ़ा देता हूँ, जैसे ये चढ़ा दिया, और ये मैंने यहाँ से इसको मैं एड्रेस भी दे देता हूँ। मैंने करेक्ट कर दिया और ये सेव कर दिया। ऐसे न्यू भी जब किया होगा तो आपको पूरा फॉर्म भर के सेव कर देना है, वो सेव हो जाएगा। ये देखिए मैंने प्रोफाइल पिक्चर ये डाला था, ये आ गया, सारी चीज़ें सेव हो गई। अब मुझे इसको चेक करना है कि ये ऑथर बाहर वेबसाइट पे कैसे दिखेगा। जाहिर सी बात है, ये मैंने डाला और ये मैंने ओपन कर दिया, ये मेरी प्रोफाइल ओपन होके आ गई, ये देखिए, है ना। अब मेरे द्वारा एक भी आर्टिकल या पोस्ट नहीं है, जिस पे है मैं उसको ओपन कर देता हूँ। दूसरे नंबर जो ऑथर है उस पे है, उस पे सेम एक और है ना, इससे पहले अभी ऑथर तो नया क्रिएट हुआ है, पोस्ट तो डाला नहीं है हमने। ये देखिए, ये मैंने दूसरा ऑथर खोला तो उसके डाले हुए आर्टिकल्स दिख गए, प्रोफाइल आ गई, प्रोफाइल मैंने क्योंकि वहाँ ब्लैंक रखी है तो ब्लैंक आ रही है, फ़ोटो आ गया, सारी चीज़ें आ गई, प्रॉपरली सेट हो गई। यह हमारा ऑथर का पूरा सिस्टम यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगले वीडियोस, हम अगले फीचर्स में, अगले फीचर्स के साथ हम रिकॉर्डिंग इसमें डालेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।